हाय फ्रेंड्स, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए आपको फोकस अपने एक्शंस पे करना होता है। अगर आप अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं, अपने फोकस को इंप्रूव करते हैं, तो आपको इंप्रूव्ड रिजल्ट भी मिलने लग पड़ेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू vidya.in। आज हम आपके लिए एक और रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसका नाम है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। NIRF रैंकिंग 2022 में इसको 101 की रैंक मिली है। NAC अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो की मथुरा दिल्ली रोड पर सिचुएटेड है। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज, लॉ की फील्ड में UG एंड PG कोर्सेज कर सकते हैं। आज हम इसके ऑफर्ड कोर्सेज, प्लेसमेंट, रैंकिंग, फीस, एलिजिबिलिटी सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में आपको बताएंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके हमसे चैट कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1991 का एस्टैब्लिशमेंट है, AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड, NAC ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव्ड है, जो कि मथुरा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। 110 एकड़ के एरिया में इसका कंप्लीट कैंपस बना हुआ है, जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज जैसे कि डिसेंट क्लासरूम्स, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, फिटनेस सेंटर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कैंपस मिलता है। अब हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं। NIRF 2022 में इसको ओवरऑल 101 की रैंक दी गई है। बीटेक कोर्सेज के लिए इसकी रैंकिंग 186 है, फार्मेसी के लिए इसकी 69 रैंक है और MBA के लिए इसको NIRF रैंकिंग में 102 की रैंक दी गई है। इसके साथ साथ इंडिया टुडे ने भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को यूपी में थर्ड रैंक दी है। GLA यूनिवर्सिटी का काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जैसे कि पराना वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्राजील, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा इटली, ICBA दुबई, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रशिया फेडरेशन जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है। आई होप आपको पता है कि अब आप vidya.in के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ की फील्ड में UG एंड PG कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो आप यहाँ से BTech, MTech, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। BTech आप यहाँ से CSE, ECE, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको यहां पर काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी मिल सकते हैं। आप यहां से AI, ML, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे स्पेशलाइजेशंस भी चूज कर सकते हैं। यहां की बीटेक की फीस 1,66,000 रुपीज पर एनम की है अगर आप सिविल, मैकेनिकल या फिर CSE ब्रांच लेते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपकी फीस यहां की 1,96,000 पर एनम की होगी। मैनेजमेंट की फील्ड में आप यहां से BBA एंड MBA कर सकते हैं। BBA में भी आपको यहां पर काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। आप यहां से एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, फैमिली बिजनेस, HRM, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जैसे स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं। यहाँ के BBA कोर्स की फीस 92,000 पर एनम की है। MBA में भी आप यहाँ पर काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस को चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशंस के साथ MBA कर सकते हैं। यहाँ की फीस अप्रॉक्स 1,73,000 पर एनम की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप BCA, MCA कर सकते हैं। BCA की फीस 1,23,000 और MCA की फीस 1,33,000 पर एनम की है। फार्मेसी की फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हैं जिसकी फीस 1,09,000, बी फार्मा कर सकते हैं 1,41,000 और एम फार्मा कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,66,000
पर एनम की है। अगर आप यहां से बीएससी या एमएससी करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसी फील्ड्स में बीएससी एंड एमएससी कर सकते हैं। यहां की बीएससी की फीस 92,000 पर एनम और एमएससी की फीस अप्रॉक्स 1,18,000 पर एनम की है। फ्रेंड्स, अगर आप जीएलए यूनिवर्सिटी के और भी कोर्सेज के बारे में, इनके सभी कोर्सेज के बारे में और उनकी एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, जीएलए यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीएलए यूनिवर्सिटी अपना खुद का जीएलए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस टेस्ट को दे सकते हैं और उसमें आई हुई रैंक के बेसिस पे आपको यहां एडमिशन मिल सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि आप अगर जीएलए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जीएलए का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बट अगर आपने जीएलए एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है तो भी आपको मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से बीटेक करना चाहते हैं तो 12th में 60% या अबव मार्क्स होने पर मेरिट बेसिस पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर बीबीए करना चाहते हैं तो 12th में 50% या अबव मार्क्स होने पर मेरिट बेसिस पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहां से एमसीए या फिर एमबीए करना चाहते हैं तो भी आप ग्रेजुएशन में आई हुई परसेंटेज के बेसिस पे यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल देखें तो जीएलए यूनिवर्सिटी एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, एफिलिएशंस भी हैं, रैंकिंग भी अच्छी है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेस का अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता, तो आपको ये प्रॉपरली चेक करना है कि आप जो भी कोर्स यहां से करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स का प्लेसमेंट यहां पर कैसा है। बीटेक, सीएससी वगैरह अगर करते हैं तो आपको 3-5 लाख का डिसेंट प्लेसमेंट मिल सकता है। बट अगर आप बाकी के कोर्सेज को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इसके प्लेसमेंट को सही तरह से जरूर चेक कर लें। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे चैट कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जीएलए यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।